अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप कटिंग, वो भी शॉर्ट टू लॉन्ग करके ये हेयर के ऊपर। इनके हेयर काफ़ी लंबे हैं बट इनको शॉर्ट करने हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सिंपल सेक्शन है, कुछ नहीं किया, आगे से 3 सेक्शंस है और पीछे 4 सेक्शंस है, इसमें मैंने डिवाइड किया है। तो आप भी ये प्रॉपर डिवाइड करके ले लो तो आपको आसानी होगी, और ये वीडियो पूरा देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्ट क्या कर रहा हूँ इनके हेयर्स के ऊपर। तो बहुत ईजी हेयर कट है, हम ये स्टेप कट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो नेप एरिया का पहला सेक्शन है उसे 90 डिग्री एंगल में उठाया है, 90 डिग्री का। और क्लाइंट को पूछ रहा हूँ कि आपको लेंथ इतना ही शॉर्ट करना है क्या, तो वो बोले कि यस। तो मैं डायरेक्टली वो कट कर रहा हूँ 90 डिग्री पे, कुछ वन लेंथ किया नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली मैं 90 डिग्री पे लेके उसे कट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं नॉचिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो थिकनेस है वो काफ़ी था और बहुत स्टबन हेयर थे और बहुत साल से वो एक ही लेंथ पे हेयर रख रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नॉचिंग कर रहा हूँ क्योंकि लेयर मुझे थोड़े शार्प चाहिए थे, यानी जो स्टेप कर रहे वो थोड़े शार्प दिखने चाहिए थे। तो ऊपर का एक सेक्शन लिया और हमारे नीचे गाइडलाइन है तो हम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सेम डायरेक्शन में 90 डिग्रीज को उसे खींचेंगे और उसे कट करेंगे। तो आपको बस यही फॉलो करते रहना है, आपकी गाइडलाइन फॉलो करनी है और उसे 90 डिग्री एंगल में आपको कट करना है प्रॉपर। ये जो हेयर कट होगा ये सब 90 डिग्री पे होगा, तो बस गाइडलाइन देखना है और आपको उसे ऊपर उठाना है। जैसे उसका 90 डिग्री एंगल है, ऊपर उठाया और उसे कट कर दिया। तो सबसे बेस्ट स्टेप कटिंग के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जिससे अच्छे से स्टेप आए और एकदम वॉल्यूम दिखे हेयर में और लेयर भी बहुत अच्छे से आए। तो ये हमारा मिडल वाला सेक्शन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे अभी साइड वाला पार्ट करेंगे सेम वैसा ही। अभी आप देख सकते हो लेंथ काफ़ी मैंने शॉर्ट कर दिया है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे शॉर्ट ही चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए हेयर, तो उस हिसाब से मैं ये हेयर कट कर रहा हूँ। तो आप भी आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ पहले कंसल्ट कर लो कि उनको कितना शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, फिर ही कट करो। क्योंकि बहुत क्लाइंट मुझे बोलते हैं कि मैं ये कौन से भी सैलून में जाती हूँ वहाँ पे मेरी लेंथ शॉर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान देना है आपको कि लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, लेंथ शॉर्ट होती हो तो क्लाइंट को गुस्सा आता है, तो आप 10 बार उनको पूछे कि बाबा यही आपको शॉर्ट चाहिए, इतना ही शॉर्ट चाहिए क्या, तो उतना ही शॉर्ट करो। तो दोस्तों देखो कुछ नहीं, सिमिलर वही तरीका है, मैं साइड में ले रहा हूँ, गाइडलाइन को देख रहा हूँ और उसे कट कर रहा हूँ 90 डिग्री एंगल पे। तो ये हेयर कट तो शॉर्ट था, अगर लॉन्ग में भी आप ये हेयर कट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो 90 डिग्री एंगल पे, बहुत अच्छे स्टेप आएंगे और लेयरिंग भी उसमें दिखेगी और बहुत इजीली आप ये कर पाओगे। थोड़ा एडवांस है क्योंकि होल्डिंग का टेक्निक थोड़ा अलग है इसमें, क्योंकि जो मैं बाकी के हेयर कट दिखा वो थोड़े सिंपल वे में था, तो ये थोड़ा सा आपको 90 डिग्री एंगल का यूज़ करना है और उसे गाइडलाइन देखते हुए फॉलो करते हुए आपको कट करना है दोस्तों। तो दोस्तों और भी अगर आपको कुछ डाउट हो या हेयर कट में या कुछ भी, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे आप पूछ सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिमिलर देखो 90 डिग्री पे लिया, गाइडलाइन देखा और उसे कट कर दिया, तो वही तरीका आपको अपनाना है और हेयर को कट करते रहना है। सिमिलर हम दूसरे साइड में भी यही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो एक लेंथ भी बन गया है, गाइडलाइन फॉलो भी कर रही है और उनको जितना शॉर्ट चाहिए उतना हम शॉर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत इजी होता है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो होल्डिंग का, क्योंकि होल्डिंग के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है कि आप होल्ड कैसे कर रहे हो। अगर सेक्शन आप होल्ड लूज पड़ रहा है आपके हाथ से या फिंगर में से, तो फिर वो वहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी। जैसे आप होल्डिंग एकदम टाइटली और कोम करो अच्छे से, कोम जितना करके लोगे आप उतने एक एक हेयर आपके कोम में आएंगे और आप अच्छे से कट दे पाओगे। तो कोमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कोम करना है आपको। और सेक्शंस आप देख सकते हो बहुत परफेक्ट आपको निकालने हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूँ,
क्योंकि आधे से ऊपर तो सेक्शन के ऊपर ही हमारा काम होता है, सेक्शन आप कैसे करते हो उसके ऊपर भी होता है। तो कुछ नहीं करना है बस, फिर अगर आपके सेक्शन प्रॉपर आएंगे बस फिर गाइडलाइन फॉलो करना है और आपको हेयर को कट करते रहना है, इससे अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये पीछे का पूरा हमारा हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं ऊपर का थोड़ा सा छोटा पार्ट लेके। क्रॉस चेक में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैंने सारा पार्ट इकट्ठा लिया, यानी तीनों जो सेक्शन लिए थे उसमें का ऊपर लिया, चेक किया, बस थोड़ा सा मुझे लगा तो मैं हल्का सा ट्रिम किया। तो क्रॉस चेक भी करते रहो तो जो लेयर का या स्टेप का जो स्टार्टिंग है वो प्रॉपर आया। उसके बाद आते हैं हम क्राउन पार्ट में, तो आप देख सकते हो क्राउन भी अभी भी लंबा ही है। तो सिमिलर थिंग है, आपको पहले छोटा सा सेक्शन लेना है जो क्राउन वाला पार्ट है उसमें से, उसके बाद आपको उसका 90 डिग्री यानी ऊपर की तरफ स्ट्रेट लेना है। अभी मैं जैसे ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, गाइडलाइन देखना है और कट करना है। तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस फोकस करो आपके काम में, आप कैसा कर रहे हो, आपके क्लाइंट को कितना सेटिस्फाई कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा फोकस करते हुए आप काम जितना करोगे क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा और आपके क्लाइंट भी बढ़ेंगे। तो देख सकते हो ऊपर और मैं उसे कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डेली का ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ विथ ये जो मैं सिखा रहा हूँ उसके साथ, कि सलून में हम क्या क्या करते हैं कैसा करते हैं। तो आपका क्या राय है कि मुझे ब्लॉग्स करने चाहिए क्या? अगर आप बोलते हो हाँ तो ज़रूर मैं स्टार्ट करूँगा और डेली के ब्लॉग्स भी आएंगे, उसके साथ बीच बीच में हम ये हेयर कट के वीडियोस भी डालते रहेंगे कि सलून में आप जब क्या क्या एक्चुअल में क्या क्या मुसीबतें आती है हम जब काम करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ब्लॉग्स में, डेली का रूटीन होगा मेरा और सलून रिलेटेड बहुत सारा सीखने को भी मिलेगा कि मैं कहाँ से कौन से प्रोडक्ट परचेस करता हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ, उसके ऊपर ये छोटे छोटे ब्लॉग्स रहेंगे। तो अगर आप बोलते हो कि ब्लॉग स्टार्ट करो तो ज़रूर मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगा, थोड़ा रूटीन होगा सलून का कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको भी अच्छा लगेगा ये जानने में। तो देख सकते हो उनका लेंथ कितना शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला ही था कि लेंथ मुझे काफ़ी शॉर्ट चाहिए। सिमिलर आपका क्राउन छोटे छोटे सेक्शन लेके मैं आगे जा रहा हूँ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। देखो गाइडलाइन मिला और उससे मैंने कट कर दिया। सिमिलर आपको साइड में भी यही तरीका यूज़ करना है। अभी इनके हेयर थोड़े मोटे थे इसलिए मैं थोड़ा नॉचिंग कर रहा हूँ, अगर थोड़ा पतला होगा तो ज़रूरत नहीं है नॉचिंग करने का, तो आप आपके क्लाइंट के हिसाब से कर सकते हो। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते दोस्तों तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे आपके मैं हर क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना और ये हेयर कट में अगर कुछ डाउट लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो देखो दोस्तों एकदम ईजीली अभी मैंने साइड का पार्ट लिया है, 90 डिग्री एंगल होल्ड और कट। तो हमें बस अच्छे से पार्टीशियंस करना है और छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको उसे कट करना है, यानी पार्टीशन एलिवेशन देन हेयर कट। एलिवेशन यानी हम जो फिंगर को एलिवेट करते हैं वो आप देख सकते हो एकदम ईजीली है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस गाइडलाइन को फॉलो करते रहना है आपको, आप देख सकते हो। सिमिलर अभी लास्ट सेक्शन ऊपर का वही सेम तरीका, 90 डिग्री, वहाँ पे थोड़ा कर्व है इसलिए मेरा 90 डिग्री का एंगल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप। एक बार आपको वो भी सिखा दूंगा कि एग्जैक्ट डिग्रीज किसे बोलते हैं या हम डिग्री कैसे मालूम कर सकते हैं कि कैसे डिग्रीज होते हैं या क्या होते हैं, एकदम ईजी वे से मैं दिखा रहा हूँ ये भी हेयर कट। तो अभी इस साइड का पार्ट भी सिमिलर तरीके से हम लोग कट करेंगे। इस साइड में मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, यानी सिमिलर ही करना है बट बस तरीका यानी एंगल मैंने चेंज किया, मैंने स्ट्रेट सेक्शन लिया है ऐसा, तो आप देख सकते हो, बस आपको दिखाने के लिए किया है मैंने ऐसा क्योंकि कैमरे का एंगल उधर से नहीं आ रहा था। तो जैसे गाइडलाइन दिखेगा स्ट्रेट तो आपको उसे कट करना है 90 डिग्री पे। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर लूँगा। तो होल्डिंग का तरीका आप देख सकते हो बहुत इम्पोर्टेंट है,
होल्ड आप कैसे करते हो, अगर आपका होल्ड या फिर आपका जो एंगल है वो थोड़ा इधर उधर गया तो फिर आपका हेयर कट ये गलत हो सकता है। तो एंगल को आपको नहीं छोड़ना है, एंगल आपको प्रॉपर ही पकड़ना है और ये हेयर कट करना है। जितना आपका एंगल अच्छा होगा उतना ही आप ये हेयर कट अच्छा कर पाओगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हेयर कट है, अगर ये हेयर कट आप सीख लेते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि और दूसरे ज़्यादा हेयर कट करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हमारा हेयर कट तो हो चुका है, अभी मैं जो ब्लो ड्राई है वो फास्ट में आपको दिखाता हूँ क्योंकि टाइम का भी इशू रहता है। तो आप ब्लो ड्राई देख सकते हो, अगर आपको इसका ब्लो ड्राई चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ब्लो ड्राई दिखाऊँ ये हेयर्स के ऊपर। तो आउटवर्ड ब्लो ड्राई कर रहे हैं हम लोग, इनका इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड ब्लो ड्राई है, बहुत आराम से मैं कर रहा हूँ ब्लो ड्राई। तो हमारा ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट हो गया और ये लास्ट का फॉल में आपको दिखाता हूँ सामने वाला पार्ट का जो हमने कट किया। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है इनका फॉल, और अभी मैं आपको इनके लेयर्स खोल के दिखाऊंगा कि सामने से कैसा लग रहा है, पीछे से कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये सामने का लुक है, आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम है इनके हेयर्स के ऊपर और लेयर्स कितने अच्छे आ रहे हैं प्रॉपर। तो दोस्तों एकदम ईजी है, कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं है, अच्छे से ब्लो ड्राई किया, कितना शाइन है हेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो। मैं सीरम यूज़ करता हूँ स्ट्रिक्स का, तो आप भी ये सीरम यूज़ कर सकते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ करो, बहुत अच्छा है आपका, अगर चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों देखो हमारा हेयर कट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि और आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं मेरा ये जो हेयर कट है ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। तो दोस्तों देखो एकदम अच्छे लेयरिंग है, अगर आपको ऐसा ही हेयर कट और सीखने हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देखते रहना, और भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना तो मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा है आ रहा है इनका फॉल, लॉन्ग टू शॉर्ट हमने स्टेप कटिंग किया है इनके हेयर्स के ऊपर, तो बहुत सारे स्टेप ऐड हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में और ये हेयर कट में। तो आप ये हेयर कट बहुत सारे क्लाइंट को दे सकते हो, वेवी हेयर को दे सकते हो, कर्ली हेयर को दे सकते हो, स्ट्रेट वेवी को दे सकते हो। बस स्ट्रेट हेयर में आप ये थोड़ा नहीं देख सकते, बाकी के हेयर्स में आप इसे आराम से दे सकते हो। और दोस्तों देखो ये कितना अच्छा लग रहा है और कितने लेयर्स आ रहे हैं इनके हेयर के ऊपर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको लगी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।